हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रमोद ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। तो आज से मेरा जर्नी शुरू होने वाला है। आज है 11 तारीख और मैं जा रहा हूँ बिहार और ट्रेन का नाम है अवध असम जो कि अभी जस्ट पहुँचे गई। तो ये है रेलवे स्टेशन। मैं रेलवे स्टेशन न्यू तिनसुकिया रेलवे स्टेशन में पहुँच चुका हूँ और इधर आपको दिखाते और आगे। गाइस ये है न्यू तिनसुकिया रेलवे स्टेशन और इसे हिजुगुरी रेलवे स्टेशन भी कहा जाता है। ये है तो अभी ट्रेन आने वाला है, अभी मुझे पकड़ना पड़ेगा और आई थिंक और आगे जाना है मुझे। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। मेरा कोच गाइस, तो चलिए चलते और उठते गाइस रेलवे स्टेशन को बाय बाय करते हैं, चलते हैं बिहार। हम लोग ये है ओल्ड स्टेशन और यहाँ से रूट चेंज हो जाता है। यहाँ से कौन सा रूट है पता नहीं मुझे, तो यहाँ से जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ गाइस। व्यू देखिए, व्यू बहुत ही खूबसूरत व्यू है। कौन सा जगह का है ये तो पता नहीं है मुझे। गाइस फाइनली हम लोग मोरियानी पहुंच चुके हैं। टाइम हो चुका है 1:41। हम लोग 11:15 को उठे थे। अभी मोरियानी पहुंचते तकरीबन 2 घंटा लग चुका है। और ये है मोरियानी का स्टेशन गाइस। और मोरियानी का प्लेटफॉर्म बहुत साफ सुथरा है, ये मुझे अच्छा लगा है। प्लेटफॉर्म को बहुत साफ सुथरा रखा गया है गाइस। यहाँ पे 5-10 मिनट वेट करेगा आई थिंक, मुझे जहाँ तक लगता है 5 मिनट तो रोकेगा ही रोकेगा यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे ट्रेन रुका है तो लंच कर लेते हैं, क्योंकि मैं घर से निकला था ब्रेकफास्ट करके। मैं लंच लेके आया हूँ, लंच कर लेते हैं। यहाँ पे जब ट्रेन रुका ही गया है तो लंच कर लेते हैं गाइस। ये लंच लेके आया था, कोप है इसमें, कोप खाते हैं। चलिए भूख लगा है। और ये है क्रीम बॉल और ये है पॉप, तो पॉप पहले खा लेते हैं। चलिए बहुत जोरों तोरों से भूख लगा है तो खाने शुरू करते हैं।
रेलवे का खाना बहुत महंगा है, इसलिए मैं ये परचेज कर दिया था कल मर गया था सही। वो बहुत टेस्टी है। फोर कटिंग स्टेशन पहुंच चुका है, आपको दिखाएगा स्टेशन। ये है स्टेशन फोर कटिंग का। यह है व्यू। और इधर है मेरा सीट, इधर। गाइस एक चीज अच्छा लगा है इंडियन रेलवे, ये अच्छा चीज किया है कि इसको थोड़ा नीचे कर दिया, नहीं तो ये बहुत ऊपर होता था। वो देख रहे हैं, उसके वो ऊपर होता था, तो ये थोड़ा नीचे करके अच्छा किया है। उठने के लिए थोड़ा अच्छा होगा और नमने के लिए भी बहुत अच्छा होगा, और साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाता है। और ऊपर पंखा चल रही है, दिन में भी लाइट ऑन है, कोई ऑफ नहीं करता है, किसी को जरूरी भी नहीं है। छोड़िए, आप लोग को भी बोलना जरूरी नहीं है। तो अभी फोर कटिंग ही पहुंचा है, अभी साढ़े तीन घंटा हो गया सफ़र का। मैं लंच तो कर चुका हूँ, पानी पीना बाकी है, पानी पी लेता हूँ, उसके बाद बात करते हैं आपसे। ठंडा पानी गाइस, ये इंडियन रेलवे ही देता है पानी का बोतल। पानी का बोतल इंडियन रेलवे देता है, इसमें लिखा रहता है 15 रुपया, लेकिन MRP से ज़्यादा बेचता है, 20 रुपया में बेचता है। ऐसा क्यों करता है ये आज तक मुझे पता नहीं चला है। ये आप सबसे क्वेश्चन होगा, क्यों करता है ऐसा, आप सब बताइएगा अगर आपको पता होगा तो। गाइस दीमापुर पहुंच गया, और दीमापुर कपड़ों के लिए बहुत फेमस है ये जगह दीमापुर। जो ये है दीमापुर, दीमापुर स्टेशन में बहुत भीड़ भाड़ है, और यहाँ कुछ देर रुकेगा शायद, और यहाँ पूरा भर्ती भी होगा लग रहा है मुझे। दीमापुर पहुंच चुके हैं, और यहाँ में दीमापुर फेमस है ये कपड़ा के लिए। यहाँ से आदमी लोग बहुत कपड़ा इधर उधर लेके जाते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं यहाँ से। और दीमापुर से शायद दीमापुर से नागालैंड भी सामने में है।
और ये म्यांमार भी सामने होगा शायद, मुझे पता नहीं। म्यांमार का सामान ज़्यादा यहाँ दीमापुर में आता है बोल के बोल रहा, ऐसा सुनने में आया मुझे। गाइस तो शाम होने को है और फिर मिलेंगे रात में, कुछ कुछ छोटा छोटा क्लिप्स दिखाऊंगा मैं आपको। ट्रैवलिंग 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 बहुत कठिन है। गाइस लामडिंग पहुंच गया, लामडिंग भी पहुंच गया हम। लैंडिंग तो पहुंच गया है, टाइम हो चुका है 5:36। तो अभी अभी रात हो जाएगा, उसके बाद तो पता नहीं क्या होगा, बना पाएगा कि नहीं। छोटा छोटा ऐसे स्टेशन में पहुंचने से आपको दिखाएगा क्लिप्स वगैरह। और यहाँ का जो क्लाउड है ना, अच्छा लगा है हमको, हम आपको एक बार दिखाने का कोशिश करेगा। ये देखिए
गाइस पास से देखिए इंजन, अंकल है साथ में जा रहे हैं दोनों मुजफ्फरपुर, तो वो घर से बना के लेके आया था। ये है रोटी और ये है पटल का सब्जी और ये है वो अंकल। थैंक यू अंकल, खाने शुरू करते हैं क्योंकि अंकल दिया ही है। तो चलिए ऐसा ऐसा रोटी आपको सिर्फ घर में ही मिलेगा, ट्रेन में तो ट्रेन में ऐसा पतला पतला रोटी होता है। तो फिर खाने के बाद मिलते हैं गाइस, ये खा लेते हैं। गाइस फाइनली गुवाहाटी पहुंचने वाला है और आगे है गुवाहाटी, अभी हम लोग पीछे ही है, पहुंचा नहीं है तो पहुंचते हैं फिर। और गाइस ये जो जगह देख रहे हैं ये जगह में ही सर्विसिंग का काम होता है रेलवे का। और हम लोग कौन सा प्लेटफॉर्म नंबर, प्लेटफॉर्म नंबर 2 में हम लोग एंटर कर रहे हैं अभी। ये है देखिए गाइस प्लेटफॉर्म नंबर 2 गुवाहाटी हाटी टाउन। लोकल कंफू देखे होंगे तो आपको अच्छा से पता होगा। उतना भीड़ भाड़ नहीं है, कोविड का समय है इसीलिए। यू गुवाहाटी गाइस गुवाहाटी पहुंच चुके हैं और ये पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं गुवाहाटी से बिहार के लिए। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए, अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।